हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अरशद खान आज आपको बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के पेपर वन, जो आपका फर्स्ट पेपर है, उसका चैप्टर नंबर 3, इस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया जिसमें हमने 58 क्वेश्चन तक कवर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में 59 क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं 99 क्वेश्चन तक। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे जाके आपका इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको वो क्वेश्चन भी कवर हो जाए, वो छूटे नहीं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 59 नंबर का क्वेश्चन, वो है कि निम्न में से किसने लिखा कि पूंजीवाद जो है वो संपत्ति पैदा करवाता है बड़े सहज ढंग से, किसी के पीछे कोई कीड़ा कोड़ा नहीं है, किसी के पीछे कोई बंदूक नहीं है। यानी कि पूंजीवाद एक ऐसा तरीका है संपत्ति को लाने का, एक सहज तरीका, जिसके लिए आपको कोड़ा किसी के पीछे लेके जबरदस्ती काम कराने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के पीछे बंदूक ले जाने की जरूरत है। ये कहने वाले हैं आचार्य रजनीश, जिनको हम ओशो कहते हैं। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद ऐसा है कि मतलब आप पैसे कमाने के लिए लोग खुद दौड़ेंगे, इसके लिए आपको किसी को जबरदस्ती काम नहीं करवाना होगा, उनको खुद अपने मर्जी से आएंगे काम करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि व्यक्ति राज्य का दास बन जाएगा और समष्टिवाद एक गुलाम राज्य की नींव डालता है। तो इसको कहने वाले हैं बेलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समाजवाद के सारे सिद्धांत मनुष्य की शक्तियों का दमन करते हैं और मनुष्य के लिए ऊंचे उद्देश्य निर्धारित करते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों इमाई नवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक राष्ट्रीय राज्य का विश्व व्यापार बनाने के लिए प्रयत्नशील होना ही साम्राज्यवाद है, यह कथन किसका है? यह कथन है H.G. बेल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साम्राज्यवाद उस नीति का नाम है जिसका उद्देश्य साम्राज्यवाद का निर्माण करना, उसका संगठन करना, उसका संरक्षण करना, ये सारी चीजें साम्राज्यवाद की नीति है, उसका नाम है। ये कथन किसका है? ये कथन है इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार, यानी कि ये कथन कहने वाले हैं इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने कहा कि साम्राज्यवाद का अर्थ है वाणिज्य? तो ये कहने वाले हैं जोसेफ चेम्बरलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने कहा कि जो सेनाएं अमेरिका बाहर भेजता है वह तलवार के बजाय क्रॉस से लैस होती हैं? ये कहने वाले हैं कूलिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पूंजीपति का आधिपत्य एक अखबारी पारियों की कहानी है जो कि करीब करीब मूर्खतापूर्ण तथ्य से परे है? ये कहने वाले थे प्रोफेसर सुमटी पीटर। बट आज आप देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर कब्जा पूंजीपतियों का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसके अनुसार किसी राष्ट्रीय राज्य का जो जगत है व्यापक बन जाने के लिए प्रयत्नशील होना ही साम्राज्यवाद है? कथन है H.G. वेल्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा कि साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद की अंतिम मंजिल है? तो ये कहने वाले हैं आपके लेनिन। लेनिन ने कहा कि जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद की अंतिम स्थिति है, अंतिम सीढ़ी है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, आर्थिक कार्य की जो स्वतंत्रता है ये क्या होती है? ये व्यक्तिवाद में होती है, ये ना समाजवाद में होगी, ना पूंजीवाद में, ना राजकत्तावाद में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को जन्म देती है? तो वो विचारधारा है मार्क्स की विचारधारा, मार्क्सवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसका कथन है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है? ये कहने वाले हैं G.D. कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, आपको हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कवर किया था, मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने मार्क्सवाद को अस्तित्व से संबंध करने की कोशिश की है? वो है ग्राम्सी। ग्राम्सी ने मार्क्सवाद को एक अस्तित्व के साथ संबंध करने की कोशिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक देश में समाजवाद, ये नारा किससे संबंधित है? तो ये नारा है लेनिन से संबंधित। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस समय आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं, तो ऐतिहासिक परिवर्तन जो है वो क्या होते हैं? तो वो द्वंद्वात्मकता के नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है, ये कथन किसका है? ये कथन है मार्क्स का कि जिसके पास शक्ति है
वही नए जो आने वाली धारणाएं हैं उसको, नई धारणा को जन्म दे सकता है क्योंकि उसके जिसके पास पावर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथन किसका है कि अब तक के समाज का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो ये कथन है मार्क्स ने कहा कि अब तक का जो समाज रहा है इसका जो इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी कि जो जीता उसी का सिक्का चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था। तो उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन काल्पनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा गांधी के स्वराज्य की अवधारणा है। तो गांधी के स्वराज्य की अवधारणा है दोस्तों योग्य व्यक्तियों का शासन, यानी कि जब योग्य व्यक्ति का शासन होगा तो हर व्यक्ति सुखी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं। तो मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टेट एंड रेवोल्यूशन नाम की पुस्तक किसने लिखा है। तो इसके लेखक हैं लेनिन। 93 क्वेश्चन का आंसर था मार्क्स, इसके लेखक हैं लेनिन स्टेट एंड रेवोल्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन स्वप्नलोकीय समाजवादी नहीं है। वो है मार्क्स। मार्क्स सपनों की बात नहीं करते हैं, वो रियलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाजकता क्या है, ये किसकी रचना है। तो समाजकता रचना है डान ग्रीफिच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकासवादी समाजवाद का प्रकार नहीं है, वो क्या है समष्टिवाद। यानी कि समष्टिवाद जो है वो विकासवादी समाजवाद का प्रकार नहीं है, बल्कि ये कहता है केवल जो हमारी राज व्यवस्था थी कि राजाओं का शासन था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एक नया व्यू, एक नई दृष्टि, ये किसकी रचना है। रॉबर्ट ओवेन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्णता का प्रकार नहीं है। वो है आपका यथार्थवादी औचित्यपूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परामिश्रित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो परामिश्रित सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले हैं नव मार्क्सवादी, यानी कि मार्क्सवाद की जो नई प्रेजेंटेशंस आती जा रही है, नई नई व्याख्याएं आती जा रही है, वो है परामिश्रितवादी सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी कवर किया हुआ है, मार्क्स की विचारधारा जो है वो वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। वो कहते हैं कि सभी को सबका हक मिलना चाहिए, सभी को उनके कार्य के बदले उनको पैसे मिलने जरूरी है, यानी कि उनके साथ जो अतिरिक्त मूल्य का खेल पूंजीपति खेलते हैं वो ना हो पाए। तो मार्क्स की जो विचारधारा है ये वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।